हे कोडर्स, रनेश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो लास्ट वीडियो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। इस लास्ट वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फॉरवर्ड और डिस्प्ले बैकवर्ड करने वाला हूँ। हालांकि वीडियो की ऐसा जरूरत थी नहीं, बट बना इसे दे रहा हूँ ताकि ना ये वाला एक फंक्शनैलिटी भी आपको पता लग ही जाए, मतलब मे बी शायद किसी को ना पता हो, इसलिए बता देता हूँ डिस्प्ले फॉरवर्ड डिस्प्ले बैकवर्ड कैसे करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है तो देख लेते हैं फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपको ना डिस्प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड करके एक फंक्शन है जिसको आपको यहाँ पे जाके राइट करना होगा। वो फंक्शन के रिफ्रेश इधर आते हैं, ये रहा। ये फंक्शन आपको कंप्लीट करना है, डिस्प्ले फॉरवर्ड और डिस्प्ले बैकवर्ड, इनको कंप्लीट करना है। अभी डिस्प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड आखिर है क्या चीज़, देखो आपको मैं यहाँ पर हेड और टेल तो दे ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे इस तरीके से आउटपुट दो डिस्प्ले फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, कि जब आप इसको प्रिंट करो तो चीज़ आपकी फॉरवर्ड में ऐसे प्रिंट होनी चाहिए, 10, 11, 12, 16, 8, 2, फिर कॉमा नहीं आना चाहिए एंड एंड। फिर उसके बाद ये तो हो गया मेरा फॉरवर्ड, और अगर मैं आपसे बैकवर्ड की बात करूं तो 2, 8, 16, 12, 11, 10 और अब फिर दोबारा कॉमा नहीं आना चाहिए। और अगर मान लो मेरा लिंक लिस्ट होता ही नहीं है, खाली होता है, तो ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक, तो जरा इसे कंप्लीट करते हैं कैसे लिखेंगे। मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, मैं इसको सिंपली पहले आते ही ना यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाता हूँ। ये देखिए टेम्पलेट बना देता हूँ, हालांकि ये टेम्पलेट हमने इसके अंदर बना रखा है, टू स्ट्रिंग नाम का है ना फंक्शन, बहुत पहले ही लिखा हुआ था। ये फंक्शन का ही टेम्पलेट यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आके क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर एसवी ले रहा हूँ। पहले स्ट्रिंग में सारी चीज़ें अपेंड कर लेते हैं, फिर एक साथ स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेंगे। ऐसे बार बार प्रिंट करने से बेटर है कि एक बार पहले डेटा बना लो, इकट्ठा कर लो एंड देन डेटा को प्रिंट कर लेना। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, इस स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आते ही मैं ये चीज़ डाल देता हूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट में लिखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो एस बी डॉट अपेंड दिस। ये मैंने यहाँ पे आके ऐड कर लिया, और जाने से पहले आपको जाने से पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इस चीज़ को हम प्रिंट भी करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये तो हमें करना ही है। अब बात करते हैं इधर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नोड बनाता हूँ करेंट नाम से, जो कि पॉइंट करेगा दिस डॉट हेड को। अब ये वर्क कैसे करेगा, अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक मेरा करेंट नल नहीं होता। अब मैं आता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, पहले 10 अपेंड करता हूँ, पूछता हूँ क्या मेरा प्रीवियस, सॉरी क्या मेरा नेक्स्ट नल है क्या, इसने मना कर दिया। ठीक है, कॉमा और स्पेस अपेंड करो, कॉमा और स्पेस अपेंड किया है। ठीक है, फिर मैं पहुंचा करंट लेके 11 के पास, क्या 11 का नेक्स्ट नल है क्या, इसने मना किया, 11 अपेंड किया, साथ ही साथ कॉमा स्पेस अपेंड किया। फिर करंट लेकर इधर आया और 12 को पहले इसके अंदर ऐड किया। अब पूछा दोबारा से सवाल, क्या 12 का नेक्स्ट नल है, इसने मना किया तो कॉमा स्पेस अपेंड कर दिया। फिर करंट लेकर इधर आया, 16 को अपेंड किया, अब पूछा सवाल 16 का नेक्स्ट नल है क्या, इसने मना करा तो कॉमा स्पेस अपेंड कर दिया। फिर करंट लेकर आगे गया, 8 को अपेंड किया और 8 से पूछा क्या तेरा नेक्स्ट नल है क्या, इसने मना कर दिया, कॉमा और स्पेस अपेंड कर दिया। फिर करंट लेकर मैं वापस 2 पे आया, अब 2 से पूछा क्या तेरा नेक्स्ट नल है, पहले तो 2 को अपेंड कर दो, क्या तेरा नेक्स्ट नल है, इसने बोला हाँ नल है, तो मैं यहाँ पे कॉमा स्पेस अपेंड नहीं करूँगा और यहीं रुक जाऊँगा। तो मेरी ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है कंप्लीट वैसा ही दिखने लगेगा जैसा मुझे रिटर्न करना था, जैसा मुझे प्रिंट करना था बेसिकली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वाइल लूप रन करना चाहिए। वाइल लूप कब तक रन करते रहो, जब तक आपका करंट नल नहीं होता, और एट एवरी स्टेप करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करते रहो, हर स्टेप पे करंट डॉट करंट नेक्स्ट करते रहो बस। अब इधर आप चेक के लगाओगे, इफ सबसे पहले आते ही एस बी डॉट अपेंड, यहाँ पे क्या अपेंड करोगे आप, करंट डॉट डेटा, डेटा को किया अपेंड, और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया करंट क्या तेरा नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है ना, अगर हाँ तो फिर एस बी के अंदर एक चीज़ और अपेंड कर दो यार, वो क्या होगा, कॉमा और स्पेस, ये अपेंड कर दो और बस अपने नेक्स्ट पे चलते जाओ। और बिल्कुल सेम तरीके से काम हम किसके लिए करेंगे, बैकवर्ड के लिए भी करेंगे। अब बैकवर्ड के अंदर क्या होगा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं तो आगे जा रहा था, अब अगर करंट में यहाँ से स्टार्ट करूँ टेल से तो मैं बैकवर्ड कर करके सेम तरीके से पीछे की ओर मूव कर सकता हूँ। तो बैकवर्ड बिल्कुल सेम लॉजिक है। आप देखो ना, आप फॉरवर्ड का यूज़ करके, आप नेक्स्ट का यूज़ करके आप आगे जा पाए, तो मैं बैकवर्ड का यूज़ करके यानी प्रीवियस का यूज़ करके मैं पीछे भी तो जा सकता हूँ, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना मेरे पास। तो इधर
बस मुझे स्टार्ट कहाँ से करना होगा, आते ही मुझे टेल से स्टार्ट करना होगा। हर बार मैं यहाँ पर प्रीवियस की ओर मूव करना स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे भी प्रीवियस की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये हमारा कोड था, बहुत ही ईजी सा कोड था जैसे मैंने पहले बताया था। इसको अब रन करके देखते हैं तो कोई सिंटेटिकल एरर तो नहीं है और सबमिट भी कर लेते हैं साथ के साथ, एंड हमारा प्रोग्राम सबमिट भी हो रहा है। तो ये था लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट की हमने पूरी क्लास कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको ये सारे फंक्शन कंप्लीट करने हैं। ये देख लो, सबसे पहले आपको ये ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, बिल्कुल इसी ऑर्डर में करते हुए आना है। इस ऑर्डर में करते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की एंटायर क्लास है। तो ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट, इसके बेसिस पर फिर गेट एट लिख पाएंगे हम। गेट एट के बेसिस पर एडिट कर पाएंगे, एडिट के बेसिस पर, अब गेट एट के बेसिस पर मैं रिमूव ऐड कर सकता हूँ, फिर ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, रिमूव आफ्टर, रिमूव बिफोर, फिर रिमूव नोड, जो कि ये यूज होगा मेरा एल आर यू के अंदर, और उसके बाद डिस्प्ले फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं, अब आगे की वीडियो में जो बताऊंगा आपको वो होगा एल आर यू कैशे। तो आगे की वीडियो में आपको पहले समझाऊंगा कि एल आर यू कैशे एग्जैक्टली होता क्या है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व भी करेंगे। तो दो वीडियो आएगी, पहले बताऊंगा एल आर यू कैशे क्या है, रियल लाइफ में इसको किस तरीके से हम रिलेट करें, एंड फिर आगे की वीडियो के अंदर एल आर यू कैशे दोबारा एक्सप्लेन करके मैं इसकी वीडियो, मतलब वीडियो में इसके सॉल्यूशन को फिर एक्सप्लेन करूंगा। पहले एल आर यू कैशे एक्सप्लेन करूंगा, देन फिर इसके सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन करूंगा वो आने वाली वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।